हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वेदिक गुरुज में। आज वेदिक गुरुज क्लास नाइन्थ के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे आज एक्सरसाइज 2.1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वेदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा आखिर तक देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉलीनोमियल चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीनोमियल। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलीनोमियल है। तो हम सबसे पहले आपको एक पॉलीनोमियल के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलीनोमियल का मतलब होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ एक्स इज ए होल नंबर। एक्स की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मतलब देखिए, अगर हम ए ऑप्शन को चेक करें तो लिखा है एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 2, अपॉन में जो एक्स स्क्वेयर ये लिखा है ये ऊपर जाकर एक्स रेस टू पर माइनस 2 बन जाएगा, मतलब पावर नेगेटिव में आ गई और माइनस 2 जो है वो होल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, रूट टू एक्स माइनस 1 लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं रूट टू रूट एक्स माइनस 1, यानी रूट टू और ये जो रूट एक्स है इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। और देखिए, एक्स की पावर जो है फ्रैक्शन में आ गई 1/2, वो भी क्या है होल नंबर नहीं है, मतलब बी ऑप्शन भी राइट आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन में देखने में लग रहा है, देखिए एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 3 एक्स रेस टू पावर 3/2 और 3x जो सेकंड टर्म है हमारी इसके अपॉन में रूट एक्स लिखा है, इस रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 3, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है पावर्स तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी जो एक्स की पावर है वो 3/2 है ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे 1/2 है डिवाइड में, तो वो माइनस 1/2 बन जाएगी। तो सॉल्व करने में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 में से 1/2 माइनस कर देंगे आप, क्या बचेगा 3 माइनस 1/2, एलसीएम ले लिया। देखिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेस टू पावर 3 माइनस 1, 2/2 कट गया यानी 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेस टू पावर 1। तो देखिए, यहाँ एक्स की पावर 2 है होल नंबर है, यहाँ एक्स की पावर 1 है होल नंबर है। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स की सभी पावर्स जो हैं वो सिंपल होल नंबर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो है दिस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल है, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। पॉलीनोमियल हमें नजर नहीं आ रहा था लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि हाँ ये पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी बोलने में नहीं बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हम चलते हैं एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, देखिए रूट 2 इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, हमें डिग्री बतानी है इस पॉलीनोमियल की। तो डिग्री जो होती है वो क्या होती है, डिग्री के बारे में बता देता हूं। किसी भी पॉलीनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलीनोमियल के अंदर वो उसकी डिग्री बनती है। अब यहां रूट 2 की डिग्री मुझे बतानी है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, देखिए रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई 1। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इनको करना पड़ता है। रूट 2 इंटू 1 को आप लिख सकते हैं एक्स रेस टू पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर हम 0 लगाएं तो रिजल्ट 1 होता है। तो ये आ गया रूट 2 एक्स रेस टू पावर 0, यानी अब यहां पर देखिए एक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया और उसकी पावर भी हमें पता चल गई 0, 0 एक होल नंबर है। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर एक्स की इस एक्सप्रेशन में वो क्या है 0। तो डिग्री कितनी हुई, देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 0, मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का, डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल दे रखी है हमें 4x रेस टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x रेस टू पावर 5 प्लस 5x प्लस 7। इस पॉलीनोमियल की आपको डिग्री बतानी है और चार ऑप्शन गिवन है, देखिए 4, 5, 3 और 7, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं
डिग्री जो है वो ये देखते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है, तो यहाँ पर 0x^5 लिखा है, वो सीधा ऑप्शन बी को टिक कर देते हैं, यानी डिग्री 5 होगी, जो कि गलत जवाब है। एक्चुअली क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जीरो जो है वो टर्म है ही नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही बन जाएगा, तो ये जो पॉलिनोमियल है दिस कैन बी रिटन अगेन एज 4x^4, ये जीरो होगी टर्म, ये भी जीरो हो गई, ये लिखा जाएगा +5x+7। अब ये पॉलिनोमियल है एक्चुअली आपके पास, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में दिया हुआ था, इसीलिए आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक होती है। अब यहां पर आप चेक करिए कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसका मतलब अब जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, यानी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी है, 4, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल की जब बात कर रहे हैं तो जीरो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होती है, हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल थी रूट टू, उसकी डिग्री जीरो थी, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल कोई पॉलिनोमियल नहीं होती, इट इज नॉट डिफाइंड, तो इसकी जो डिग्री होती है दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, वो है ऑप्शन डी। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। गिवन है इफ पीएक्स जो है वो पॉलिनोमियल का सिंबल है, पीएक्स इज इक्वल टू x^-2√2x+1। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है p√2 की। p√2 का मतलब है जब x की वैल्यू 2√2 हो, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 2√2 हो तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। ये चार ऑप्शन गिवन है हमें, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो देखिए पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, px इज इक्वल टू x^-2√2x+1। अब हमें क्या करना है, हमें x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देनी है 2√2, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा p√2 इज इक्वल टू, देखिए x² लिखा है तो x के प्लेस पे 2√2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर -2√2 और इनटू में x लिखना है, फिर वहाँ पर 2√2 लिख देंगे और साथ में +1। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और जब √2 का स्क्वायर होगा तो 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 बचेगा, -2√2 × 2√2 यानी 2 × 2 4 और √2 × √2 अगेन 2 और साथ में +1। तो ये आगे देखिए 8 − 8 + 1। अब ये +8 और -8 तो कट गए, यानी 0 आ गया, तो रिजल्ट क्या बचा, ओनली 1। तो हमारे ऑप्शंस में चेक करेंगे हम कौन से ऑप्शन में 1 आंसर गिवन है, ऑप्शन बी में। तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस पे हमें सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को लेट कर लूं, px इज इक्वल टू, देखिए बड़ी जो टर्म है हाईएस्ट पावर टर्म 4x² वो मैंने पहले लिख ली है, फिर +5x बाद में लिख लिया और +3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने की, कि सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें x नहीं होता। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू -1। तो देखिए x के प्लेस पे -1 लिखते चले जाएंगे और सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर होगा वो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाएगी। तो देखिए x² मैंने -1 का स्क्वायर लिख दिया, +5x यानी 5 × -1 और साथ में +3, तो ये -4 और -1 का स्क्वायर है, देखिए इवन नंबर पावर है ना, तो -1 × -1 यानी 1 हो जाएगा, और 5 × -1 -5 +3, तो -4 × 1 -4 -5 +3। अभी देखिए दोनों टर्म माइनस किए हैं, तो -5 − 4 -9, बड़ी टर्म का साइन आएगा ना नेगेटिव, -9 और +3, और -9 + 3 -6, अगेन बिगर टर्म का साइन 9 का हमने लगा दिया, तो वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू -1 वो -6 आ गई, और -6 कहाँ गई है हमारे पास, ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन 6 के लिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बन गया है। देखिए सेवंथ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। हमें गिवन है पी एक्स, एक पॉलिनोमियल दे रखी है x+3, हमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया px + p(-x), यानी पॉलिनोमियल में एक बार x रखना है और एक बार -x रखना है, फिर दोनों को प्लस करना है, बताना है वैल्यू क्या आएगी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर होगा। तो देखिए जो px है वो तो हमें दे रखा है x+3, p − x कैसे निकलेगा, मैं x के प्लेस पे -x लिखता चला जाऊंगा, तो ये बन जाएगा -x + 3, क्योंकि +3 तो कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए आप ऐड कर दीजिए px + p − x इज इक्वल टू,
क्या आएगा, x प्लस थ्री, ये माइनस एक्स प्लस थ्री, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कट गए, थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो वैल्यू कितनी है इसकी, सिक्स। और हमने अब ऑप्शन में चेक कर लेना है, हमारे ऑप्शन में सिक्स कहाँ गिवन है, ऑप्शन डी में, मतलब सेवेंथ क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट आंसर बन जाएगा। नाउ लेट्स कम ऑन टू एट्थ क्वेश्चन, जीरो ऑफ दी जीरो पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब भी जो एक्चुअली क्या है वो डिग्री ही होता है, तो हमने ये थिंकिंग प्रोसेस लगाना है यहां पर कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल पूछा गया, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो नॉट डिफाइंड होती है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए भी राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का, हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, जीरो का मतलब है हमें रूट बताना है इसका, रूट मतलब जो है वैल्यू ऑफ एक्स बताना चाहते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 के लिए। तो बहुत आसान तरीका है, जब भी आपको जीरो निकालने के लिए कहा जाए या रूट निकालने के लिए कहा जाए या वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए कहा जाए, सबका एक ही मतलब होता है, तो सबसे पहला स्टेप यही है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखी है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए आप। तो देखिए हमें px दिया हुआ था, हमने इक्वल टू जीरो लिखा और 2x + 5 इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस 5 उधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5/2। तो ये देखिए ये x का जो वैल्यू आई है ये पॉलिनोमियल का रूट आ गया। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि -5/2 कहाँ लिखा है, वो ऑप्शन बी में लिखा है, दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। टेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे, टेंथ क्वेश्चन में वन ऑफ दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल, एक पूछा है कोई भी, वैसे जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज हो सकते हैं, पर हमें कोई एक बताना है तो निकालने दोनों ही पड़ेंगे तभी एक बता पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप भाई लेट कर लेते हैं, ये पॉलिनोमियल कोई पी एक्स के इक्वल है, 2x² + 7x - 4 इसको हम इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या बन जाएगा, 2x² + 7x - 4 इक्वल टू जीरो। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और उसको स्प्लिट कैसे करते हैं, फैक्टराइज करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिट करके, कैसे होती है देखिए, पहले देखना है कोफिशियंट ऑफ x² कितना है 2 और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपने, 2 × 4 कितना आया 8। अब ये जो मिडिल टर्म है ये कितनी है 7, इस 7 को हमने स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो सिंपल से फैक्टर्स बनते हैं, देखिए ये तो सेम रहेगा, इस 7 को मुझे ब्रेक करना है, इस 7 को मैं लिख सकता हूं 8 - 1, 8 - 1 = 7 होता है और 8 × 1 = 8 होता है, ठीक है, तो 8 - 1 लिख लिया, ये वाला x एज इट इज रहेगा कोई चेंज नहीं, -4 सेम रहेगा कोई चेंज नहीं, इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2x² + 8x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, फिर ये -1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1x - 4 इक्वल टू जीरो। अब ये 4 टर्म्स आ गई, इनके आपने दो दो के पेयर बना लेने हैं, क्या करना है 2-2 टर्म्स के पेयर, पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ 2x² है, यहाँ 8x है, मतलब 2x कॉमन आ सकता है सीधा, तो यहाँ से एक तो x बचेगा क्योंकि एक x बाहर आ गया, प्लस 2 × 4 = 8 यानी 4 बचेगा, x ऑलरेडी बाहर आ गया, इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन आएगा कुछ -1, याद रखना है जब भी फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी है ये सेम होनी चाहिए दूसरी ब्रैकेट में भी कॉमन लेने पे, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया x बचा और बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज होगा, ये -1 + 4 बन जाएगा इक्वल टू जीरो। अगर ये ब्रैकेट में टर्म दोनों तरफ सेम है तो यहीं से चेक होगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर यहाँ कोई गलती है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है। तो देखिए अब ये x + 4 और ये x + 4 ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लेंगे क्या बचेगा, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा -1 = 0, इन दोनों को आपने अलग अलग जीरो पुट करना है, पहले x + 4 = 0 और फिर 2x - 1 = 0, तो ये +4 उधर जाके x की वैल्यू -4 यानी एक तो -4 आ गई वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 2x, ये -1 उधर जाके इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, दूसरी वैल्यू 1/2 आ गई, तो इन दोनों में से हमें चेक करना है कि हमारे ऑप्शन में कौन सी दे रखी है, -4 या 1/2, तो यहाँ देखिए क्लियर है
ऑप्शन बी में दे रखी है वैल्यू 1/2, तो वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 1/2, ऑप्शन बी। देखिए 11th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। इफ एक्स रेस टू पावर 51 + 51, ये कोई पॉलीनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, यानी इस पॉलीनोमियल को अगर हम एक्स प्लस वन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक बताना है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ रखी है, अगर मैं इसको लेट कर लूँ पॉलीनोमियल को, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 51 + 51, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करने के लिए कहाँ गया, एक्स प्लस वन से, तो इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। जीरो पुट करने से क्या होगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, ये एक्स की वैल्यू हम इस पॉलीनोमियल में रखेंगे एक्स के प्लेस पे, -1 रेस टू पावर 51 + 51, और अब जो भी बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो -1 की पावर 51 एक ऑड नंबर है, वन को कितनी मर्जी पावर लगाए वन ही आने वाला है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होता है। अगर पावर ऑड नंबर है तो माइनस में आएगी, और अगर पावर इवन नंबर है तो प्लस वन आएगा। तो पावर इसकी ऑड नंबर है तो -1 आएगा, और +51 कॉन्स्टेंट है एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये 51 प्लस का और -1, तो 51 - 1 50, यानी 50 जो है वो इसका रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर इज 50 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 11, रिमाइंडर इज 50। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 12 में भी दे रखा है, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन लिखा है, इफ एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। फैक्टर का मतलब यही है कि किसी भी पॉलीनोमियल को या किसी भी नंबर पे भी आपने पढ़ा, जब हम डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से और अगर नंबर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, यानी फैक्टर होता है। इस पॉलीनोमियल के लिए हमें फैक्टर दे रखा है, के की वैल्यू बतानी है इस के की, तो लेट कर लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2x² + kx, और चेक करना है एक्स प्लस वन के लिए इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं फिर से, और x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस वन उधर जाके -1 बनेगा, ये x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए आप, पुट x इक्वल टू -1 इन पी एक्स, इस पॉलीनोमियल पी एक्स में हम पुट कर रहे हैं। देखिए पी -1 इज इक्वल टू 2x के प्लेस पे -1 की पावर 2 + k, और x के प्लेस पे -1। अब हमें गिवन है, क्या गिवन है, एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो पॉलीनोमियल की हमारी फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है पॉलीनोमियल की एक्स माइनस वन पुट करने के बाद जीरो आनी चाहिए, यानी हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, 2 - -1 रेस टू पावर 2 + k - -1 = 0, सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 - -1 की पावर 2 + 1, के को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -k = 0, 2 × 1 = -k = 0, माइनस के उधर जाके प्लस का k बन जाएगा, यानी 2 = k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, और हमारे ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी में दे रखी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 13 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का ही, एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल, इस बार हमें चार पॉलीनोमियल्स दे रखी हैं और हमें चेक करना है कि x प्लस वन किसका फैक्टर है। तो देखिए अब क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम को ये अप्लाई करते हैं, एक एक करके इन चारों के अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे, और जहां जीरो आ जाएगा तो वो फैक्टर बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो x प्लस वन लिखा है मैंने, मैं इसको इक्वल टू जीरो कर लेता हूं, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल रही है -1। तो सबसे आसान तरीका यही होता है, आप एक एक करके यहां पर पुट करिए, देखिए ऑप्शन ए में कर रहे हैं पहले -1 रेस टू पावर 3 + -1 रेस टू पावर 2 - x के प्लेस पे -1 + 1 implies that -1 रेस टू पावर 3 - 1 ही रहेगा -1 रेस टू पावर 2 + 1 - -+1 और ये +1। तो ये क्या बन गया, देखिए -1 + 3, यानी 3 - 1 आ गया, यानी कि 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ऑप्शन ए तो फैक्टर नहीं है। ऑप्शन बी चेक करेंगे, x के प्लेस पे फिर से -1 लिखते हैं, -1 की पावर 3 - 1 की पावर 2 + -1 और +1, सॉल्व करके क्या आएगा, -1 की पावर 3 - 1 - 1 की पावर 2 + 1 + -1 और फिर +1। तो ये -1 + 1 कट गया, ये -1 + 1 कट गया, रिजल्ट आ गया 0। मतलब यहाँ 0 आ गया तो हम यहाँ रुक जाएंगे, इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ गया है, एक्स प्लस वन जो है वो पॉलीनोमियल जो ऑप्शन बी में दे रखी है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। देखिए वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ
हमें ये पॉलीनोमियल दे रखी है, हमें बताना है इसके कोई दो फैक्टर में से एक फैक्टर है, इन चारों में से एक है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप इसको लिख सकते हैं 25x² - 1, फिर से लिख लेते हैं एक बार प्लस, ये जो 1 + 5x लिखा है तो आपको पता है इसको 5x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्स प्लस प्लस में है, दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो हम पहले x की वैल्यू लिख ली मैंने, बाद में कॉन्स्टेंट। अब ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में 25x² - 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5x² - 1² राइट, प्लस ये सेकंड टर्म सेम रखते हैं हम 5x + 1 होल स्क्वायर। यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² का, याद आ रहा है, वो अप्लाई कर देते हैं a + b a - b। तो देखिए a के प्लेस पे तो क्लियरली 5x लिखा हुआ है, b के प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, a 5x है b 1 है, तो क्या बनेगा a + b यानी 5x + 1 और इंटू में a - b यानी 5x - 1 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, 5x + 1 होल स्क्वायर। अब ये दो टर्म है हमारे पास, एक ये और एक ये, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 5x + 1, यहाँ पर एक पावर है और यहाँ पर दो है, तो 5x + 1 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, 5x + 1 बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा सिर्फ 5x - 1 प्लस और यहाँ से एक 5x + 1, क्योंकि दो पावर थी, एक हमने बाहर ले ली, एक अंदर बच गई है। चाहे तो एक्स्ट्रा पोर सॉल्व कर सकते हैं इसको, 5x + 1 ब्रैकेट में देखिए ये 5x और ये 5x दोनों ऐड हो जाएंगे 10x, ये -1 और +1 कट जाएगा 0। तो इसका मतलब जो इसका फैक्टर हुआ, दो फैक्टर आए, एक तो 5x + 1 और एक 10x, तो दोनों में से एक 5x + 1 हमारे ऑप्शन में कहीं हमें चेक करना क्या है, नहीं है। दूसरा फैक्टर है 10x, वो चेक करते हैं कहीं ऑप्शन में है, यस ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 10x, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज वन ऑफ द राइट आंसर। देखिए 15th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का, द वैल्यू ऑफ 249² - 248², इसकी वैल्यू बतानी है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसकी वैल्यू क्लियरली हमें देखने से पता चलता है, स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज करना है आपने थोड़ा सा इसमें अपना, कि ये जो दो नंबर लिखे हैं ये a² - b² की फॉर्म में लिखे हैं, a² - b² की फॉर्म में, और ये आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है कि a² - b² जो होता है वो a + b * a - b होता है। तो देखिए a के प्लेस पे 249 है और b के प्लेस पे 248, तो ये बन जाएगा a के प्लेस पे 249 और b के प्लेस पे 248, यानी 249 + 248 और a - b मतलब 249 - 248। अब 249 + 248 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 497 और 249 - 248 मतलब 1, तो 497 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 497, तो हम चेक कर सकते हैं हमारे ऑप्शन में से ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसकी राइट वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 15th के लिए। सिमिलरली 16th पे चलते हैं, देखिए 16th क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन हमने अभी सिखाया आपको, 4x² + 8x + 3 ये पॉलीनोमियल दे रखी है, इसके फैक्टर्स बताने हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से इसमें राइट फैक्टर्स हैं वो चेक करना है। तो फैक्टर्स का तरीका हमने आपको बताया था, एक्स के कोएफिशिएंट देखिए 4 देखते हैं, ये कॉन्स्टेंट टर्म है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12। अब ये जो मिडिल टर्म है 8, इसको स्प्लिट करना है ऐसे कि दो जो इसके नंबर बनेंगे हम ब्रेक करेंगे उनको प्लस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12, तो सिंपल है 6 और 2 बन रहे हैं, 8 को हम 6 + 2 लिख सकते हैं, 6 + 2 8 होता है और 6 × 2 = 12, तो ये x एज इट इज रहेगा यहाँ पर और ये +3 एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना आपने, 4x² + ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 6 को x से मल्टीप्लाई करना पहले, +6x + 2x + 3। अब चार टर्म्स आगे देखिए, पहली दो और लास्ट की दो, दो पेयर बन जाएंगे, पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 4x है यहाँ 6x है, तो 2x कॉमन ले सकते हैं, 2 × 2 = 4 यानी 2x बचेगा सिर्फ और यहाँ से x बाहर आ गया और 2 × 3 = 6 यानी 3 बचेगा, प्लस इन दोनों टर्म्स में से 2x + 3 लिखा है तो 1 कॉमन ले सकते हैं तो 2x + 3 बच गया। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम टर्म और सेम साइन आ गया, मतलब हमने जो फैक्टर किया बिल्कुल ठीक है, यहीं से चेक हो जाता है। तो अब इन दोनों में से आप 2x + 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा +1, तो 2x + 3 2x + 1 इसके फैक्टर्स बन गए। इन चारों ऑप्शन में से चेक कर लेंगे कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी में लिखे हैं 2x + 1 2x + 3 ऑप्शन बी में लिखे हैं, इसके एग्जैक्ट राइट फैक्टर्स हैं जो हमने कैलकुलेट करके दिखाए हैं।
देखिए 17th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ, इसका हमें फैक्टर बताना है, इन चारों में से कौन सा एक फैक्टर बनेगा। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, देखिए माइनस है एक्स क्यूब बाहर, माइनस है अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर वाई क्यूब। अब ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब लिखा है, इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार, पहले ए प्लस बी होल क्यूब क्या होती है, आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, इसको यूज करेंगे हम, ए के प्लेस पे हमने एक्स लिखना है और बी के प्लेस पे हमने वाई लिखना है। तो देखिए क्या आएगा, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वाई क्यूब प्लस 3ab यानी 3xy ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, और ये लास्ट की दोनों टर्म्स एज इट इज सेम टू सेम आ जाएंगी विदाउट एनी चेंज, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब अगर ध्यान से देखें तो ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है, कट गए दोनों, ये प्लस का वाई क्यूब है, ये माइनस का वाई क्यूब है, कट गए दोनों, क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है 3xy into x plus y, यानी एक तो 3xy फैक्टर हो सकता है और एक x plus y फैक्टर हो सकता है। तो ऑप्शन में चेक करिए कौन सा गिवन है, हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन गिवन है, 3xy इज ए फैक्टर। तो इसका मतलब 17th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बन जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमसे ये पूछा गया है द कोफिशियंट ऑफ x बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ, कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो x का कोफिशियंट मतलब x के साथ जो लिखा होगा कॉन्स्टेंट नंबर वो क्या होगा। तो वही फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में आइडेंटिटी अप्लाई करी है a प्लस बी होल क्यूब, वो यहां पर भी अप्लाई होगी सेम टू सेम, फिर से लिख देते हैं, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ताकि रिवाइज हो जाए और याद भी हो जाए, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर हमें a के प्लेस पे x लिखना है और b के प्लेस पे 3, तो क्या आएगा देखिए x प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू, a के प्लेस पे x लिखा जाएगा x क्यूब प्लस b के प्लेस पे 3, 3 क्यूब प्लस 3, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 3 और ब्रैकेट में x प्लस 3 क्योंकि a प्लस b लिखा है। सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3 यानी 27 हो गया, प्लस ये 3 × 3 9x और ये ब्रैकेट में x प्लस 3। अब ये ब्रैकेट भी ओपन करनी है आपको, क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस इस 9x को x से मल्टीप्लाई होगा पहले 9x² और इस 9x को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 27x। अब ये पॉलीनोमियल आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब, फिर उससे कम पावर 9x की 2, फिर उससे कम पावर प्लस 27x और फिर कॉन्स्टेंट टर्म यानी प्लस 27। हमसे पूछा गया कोफिशियंट ऑफ x, यानी x वाली टर्म के साथ क्या लिखा है, ये है हमारा टर्म कंटेनिंग x, तो यहाँ कोफिशियंट ऑफ x क्या लिखा है 27, तो 27 जो है वो कोफिशियंट बनेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बन जाएगा। देखिए 19th क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, लिखा है इफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1 हमें गिवन है, और ये साथ में मेंशन कर दिया गया कि x और y दोनों में से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, हमें x क्यूब माइनस y क्यूब की वैल्यू पता लगानी है, ये चार ऑप्शन है जिनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसी को लेकर चलते हैं, x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेते हैं, x और y का क्या आएगा, देखिए x y आएगा तो y से y कैंसिल हुआ, मतलब ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे x² प्लस, फिर x x कैंसिल होगा और ये y और y मल्टीप्लाई होंगे यानी y² इज इक्वल टू माइनस 1, अपॉन में 1 भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या बचेगा x² प्लस y² जो है इज इक्वल टू, ये एक्स वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस एक्स वाई बचाएगा, यानी ये मेरे पास एक तरह से ये वैल्यू आ गई है x² प्लस y² इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। आप चाहें तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, x² प्लस y² ये माइनस वाई एक्स वाई अगर मैं इधर ले आऊँ इधर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा इधर इज इक्वल टू 0। इसको हमने यूज करना है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x³ माइनस y³ की। अब x³ माइनस y³ की आइडेंटिटी होती है आपको याद होनी चाहिए x माइनस y इंटू x² प्लस y² प्लस xy, ये इसकी आइडेंटिटी है, x³ माइनस y³ इसके इक्वल होता है। हमें जो वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट करी है वो क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो है। तो अगर हम इसकी आइडेंटिटी में देखें तो जो सेकंड टर्म लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी ऊपर जीरो, यानी एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई हो गए सारा जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो जीरो आ गई। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ ऑप्शन सी में इसकी राइट आंसर हमारे पास है, वैल्यू जीरो आ गई। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 20th क्वेश्चन में दे रखा है इफ 49x square minus b इज इक्वल टू 7x plus 1 by 2, 7x minus 1 by 2, हमें इस b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी 49x square minus b, जो राइट साइड है यहां पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपनी a plus b a minus b। अगर मैं लिखूं a plus b a minus b किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी ए के प्लेस पे तो मेरे पास है 7x, तो उसको तो हम लिख देंगे 7x का स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे लिखा है 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, देखिए लेफ्ट साइड में तो लिखा हुआ है 49x स्क्वायर माइनस बी, राइट साइड सॉल्व करेंगे 7x का स्क्वायर क्या आएगा, 49x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अगर कंपैरिजन किया जाए 49x square लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस साइन के प्लेस पे ये माइनस साइन लगा हुआ है, और b के प्लेस पे क्या लिखा है 1/4, मतलब वैल्यू ऑफ b कंपैरिजन से हमारे पास आ गई 1/4। तो ऑप्शन में चेक करिए, c ऑप्शन में राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन के लिए, वैल्यू ऑफ b जो है वो 1/4 आ गई है, विच इज गिवन इन ऑप्शन c। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, क्या आएगी वो इन चार ऑप्शन में से एक आएगी। तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की भी आइडेंटिटी नहीं होती, इनफैक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के लिए आइडेंटिटी होती है, हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, हमने उसी को यहाँ पर यूज करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का हमने यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए जो लेफ्ट साइड है मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, इसकी वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी हमें जीरो लेना है, तो यहां पर मैं जीरो लिख दूं और इनटू में ये टर्म रहेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और जीरो से मल्टीप्लाई होकर सारा जीरो हो जाएगा। यानी ये जो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो बच जाएगी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर जो माइनस 3abc टर्म है अगर इसको राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, विच इज इक्वल टू प्लस 3abc। तो ये वैल्यू आ जाएगी गिवन एक्सप्रेशन की, और हमारे ऑप्शन में कहां है, इट इज गिवन टू अस इन ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो देखो बच्चों, आपने ये थी क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स की सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर आज हमने आपको सारे के सारे 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड थे उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है हमारा चैनल द वेदिक गुरुज, अगर अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ, खूब मन लगा के पढ़िए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।